क्या आप जानते हैं कि पेपर यानी कागज का आविष्कार किसने और कब किया था? अगर नहीं पता तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ये भी जान जाएंगे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। इससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कागज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कागज का उपयोग नहीं किया होगा। आज करेंसी यानी नोट से लेकर बच्चों की पढ़ाई और अखबार तक में सबसे ज़्यादा कागज का ही इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आज के समय डिजिटल दुनिया में लोग कागज को अवॉइड करते जा रहे हैं, लेकिन आज भी इसकी ज़रूरत बहुत अहम जगहों पर पड़ती है। आपको बता दें कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार करने वाला देश चीन को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के राजवंश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। कागज का आविष्कार काईलुन ने किया था। काईलुन के उपयोगी आविष्कार शहतूत, पेड़ के छाल तथा अन्य तरह के रेशों की सतह से कागज का निर्माण किया था। आज कागज को धीरे धीरे अवॉइड करते जा रहे हैं और इसीलिए शायद धरती में पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ोतरी होती जा रही है। ये सब इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप सबकी दुआ और प्रणाम।